नमस्कार। कोरोना वायरस को दुनिया में आए लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इसकी 2 लहरें आ चुकी हैं और कुछ देशों में तीसरी लहर की भी दस्तक सुनाई दी है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि भारत में अभी तीसरी लहर की उस तरह से शुरुआत नहीं हुई है जैसी कि कहा जा रहा था, और ईश्वर न करे ऐसी शुरुआत हो। लेकिन एक वैश्विक तौर पर एक अच्छी बात यह कही जा सकती है कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो कुछ कम हुआ है। दुनिया में लगभग, वैसे तो लगभग 245 देश हैं, लेकिन इनमें से कई देश किसी न किसी देश के अधीन हैं, तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि दुनिया में लगभग 200 देशों की संख्या है और इनमें से लगभग आधे से कुछ अधिक देश कोरोना से प्रभावित हुए हैं और बाकी देशों में कुछ 10-15-20 ऐसे देश हैं जहां पे कोरोना नहीं पहुंच पाया है, वो छोटे देश हैं और वहां पे आबादी भी कुछ कम है। तो अब मैं ये कह सकता हूं, जो आंकड़े बता रहे हैं उस आधार पर, कि दुनिया में लगभग आधे देश ऐसे हैं कि जहां पर कोरोना का प्रकोप कम है और वहां पर जो संख्या है कोरोना के मरीजों की वो लगातार घटती जा रही है और नए मरीजों की संख्या में भी लगातार गिरावट होती जा रही है। और उन ऐसे 90 देशों में खुशी की बात है कि इसमें भारत भी है। और जहां तक हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जो है पिछले 1-1.5 महीने से कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। बीच में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आता था और अभी पिछले 8-10 दिन 15 दिन में कुछ केसेस बढ़े हैं, लेकिन फिर प्रकरणों की संख्या घटी भी है, फिर थोड़े से प्रकरण बढ़े हैं, लेकिन 52 जिलों में से अधिकांश में कोरोना के कोई केसेस नहीं है। और जहां तक हमारे चारों बड़े महानगरों का सवाल है तो वहां भी संख्या में लगातार गिरावट है। मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाना चाहूंगा कि 23 सितंबर को मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या लगभग 23 थी और उसके बाद लेकिन 24 तारीख को एकदम उलटफेर हुआ और ये सक्रिय प्रकरणों की संख्या बढ़कर 120 हो गई, और उसके पश्चात 25 तारीख को मतलब कल ये संख्या फिर घट गई और इसमें टोटल संख्या हो गई 118। तो कहने का मतलब यह है कि संख्या कम हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी बहुत आवश्यक है। अभी ये जो इस बारे में भविष्यवाणियां की जा रही थी, खासकर IIT के जो डॉक्टर अग्रवाल हैं, उन्होंने जिस आधार पे, जिस गणितीय आधार पे घोषणा की थी, उनका कहना, उनका जो भविष्यवाणी है वो दूसरी लहर के बारे में भी सही साबित हुई और तीसरी लहर के बारे में भी उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि कोरोना का प्रकोप इस बार तीसरी लहर में कम होगा और कहा जाए कि नहीं के बराबर तीसरी लहर होगी। तो इसलिए हम आशान्वित है कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए, लेकिन हमको सावधानी रखने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है और इसके अलावा सैनिटाइजेशन बहुत आवश्यक है, मास्क बहुत आवश्यक है और इसी के साथ जो जिंदगी है वो भी बहुत आवश्यक है। नमस्कार।